हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएल एई में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस को, जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में। ओके, 2019 में जिसका एग्जाम हुआ था, हम उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये रहेगा पार्ट फोर। इससे पहले तीन पार्ट आ चुका है, दिस इज पार्ट फोर, और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। एक वर्ड है कमिटी, इट में इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट, कि इसमें जितने भी लेटर्स हैं इस कमिटी वर्ड में, जितने भी लेटर्स हैं उनकी हेल्प से आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हो, ये आपसे पूछा है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वर्ड को यहां पर लिख लेता हूं। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 9। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 9, राइट। तो जब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होंगे 9, तो इन 9 लेटर्स की हेल्प से आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स को आप फॉर्म कर सकते हैं, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, राइट। बट यहां पर जो भी लेटर्स हैं उसमें से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तब होगा नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9। लेकिन इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ लेटर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। इसमें कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसको देखिए आप। इसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो उसका एम का देखिए रिपीटेशन हो रहा है, एम रिपीट हुआ है 2 times। तो यहां पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एम, M का रिपीटेशन कितना है, 2 times, 2 times M का रिपीटेशन है, इसलिए नंबर ऑफ वर्ड्स अब कितने होंगे, अब फैक्टोरियल 9 नहीं रहेगा, अब नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहां पर M का रिपीटेशन हुआ है 2 times। अब देखो, अब इसमें M के अलावा T का भी रिपीटेशन हुआ है, T का रिपीटेशन कितने टाइम्स हुआ है, 2 times, T का रिपीटेशन हुआ है 2 times, इट मींस नंबर ऑफ वर्ड्स अब इतना भी नहीं रहेगा, फैक्टोरियल 9/2 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें T का भी रिपीटेशन है, 2 times है, इसलिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2 factorial से डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखो यहां पर जो लेटर है E, उसका भी रिपीटेशन हुआ है 2 times, तो जब E का भी रिपीटेशन हुआ है 2 times, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 factorial से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस इज 2 factorial। अब यहां से देखिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, इट मींस 8। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 8, राइट। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 8, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इस क्वेश्चन में कहा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर 80 इज इक्वल टू व्हाट, ई रेज टू द पावर 80 एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको याद रखना होगा, वैसे कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो लेंदी हो जाएगा, है ना, तो इसको याद रखना है, e to power 80 का जो लैपलेस हो जाएगा 1/s-a, राइट।
ऑप्शन देख लीजिए, वन अपॉन एस माइनस ए, इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थ्री पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर इनक्लोज्ड बाय सरफेस S। व्हाट नेट फ्लक्स क्रॉसेस S, जो हमारा इनक्लोज्ड सरफेस S है उससे टोटल जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। तो सपोज कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। अब इसके अंदर तीन चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज यहां पर है Q2, एक चार्ज यहां पर है Q3, राइट। सो टोटल चार्ज कितना होगा इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, टोटल चार्ज कितना होगा Q टोटल, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों को ऐड कर देंगे, Q1 है 30 नैनो कूलम, Q2 है प्लस में 150 नैनो कूलम और Q3 है माइनस में 70 नैनो कूलम। टोटल कितना हो जाएगा 150 प्लस 30 यानी कि 180 और माइनस 70 इट मींस 110 नैनो कूलम का चार्ज इसके अंदर होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स क्रॉसेस दिस क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट 110 नैनो कूलम, यानी कि लास्ट ऑप्शन में देखिए 110 नैनो कूलम गिवन है, सो लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इस क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ कंटीन्यूअस टाइम साइनोसोइडल सिग्नल XT और XT गिवन है a cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा, राइट। इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा उसका फॉर्मूला जस्ट आपसे पूछा कि फॉर्मूला कितना होगा, राइट। सो फंडामेंटल टाइम पीरियड FTP दिस विल बी इक्वल टू T0 और T0 को हम लिखेंगे 2π अपॉन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, राइट। सो 2π अपॉन ओमेगा नॉट ये हो जाएगा FTP यानी कि T0 की वैल्यू। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए T0 इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा नॉट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95। फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल xn व्हिच इज इक्वल टू e टू द पावर j π/4n, राइट। इसका आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए जो डिस्क्रीट सिग्नल है xn, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर j π/4n, ओके। यहां से हम क्या कहेंगे कि जो ये है π/4, ये जो π/4 है, व्हाट इज दिस, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है ये। तो अब आपको ओमेगा नॉट पता है, यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है यानी कि T0 फाइंड आउट करना है। T0 कितना हो जाएगा, T0 होता है 2π अपॉन ओमेगा नॉट, इट मींस 2π अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है π/4, सो π/4 ये कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर जो FTP है फंडामेंटल टाइम पीरियड वो हो जाएगा 8 सेकंड, राइट। ऑप्शंस देख लीजिए, सी ऑप्शन में गिवन है 8, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल और नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, राइट। दो सिग्नल दिया गया है, एक है XT दूसरा है XN, इट मींस एक है कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, दिस सिग्नल इज कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड दिस इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम की, ये जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है XN इज इक्वल टू 2 e रे टू द पावर j 3n, दिस इज अ पावर सिग्नल, दिस सिग्नल इज अ पावर सिग्नल,
ओके, ये तो हमारा पावर सिग्नल हो गया। उसके बाद कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की हम बात करते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई रे टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ये वेयर ए इज पॉजिटिव। ये जो सिग्नल है ये किस तरीके का ये सिग्नल होगा, तो ई रे टू द पावर माइनस ए टी यू टी है, इसको आप देख के ये कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल तो है, राइट, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये एग्जिस्ट करेगा जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, राइट। बट जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीजिंग होगा, राइट, इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है डिक्रीजिंग। तो जब कोई सिग्नल, जब कोई कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन में हो, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो, वैसे देखो, वैसे जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है जनरली वो एनर्जी सिग्नल नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप यूटी को ले लो, यूटी क्या है, यूटी हमारा इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, यूटी एग्जिस्ट करता है कहां से कहां तक, टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक, यूटी सिग्नल इज, यूटी सिग्नल इज लाइक दिस, ऐसे ये हो गया यूटी अप टू इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ये यूटी सिग्नल हमारा एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीजिंग नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर या तो सिग्नल हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होना चाहिए, एनर्जी सिग्नल होने के लिए फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होना चाहिए, और अगर फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल नहीं है तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल अगर है तो मैग्नीट्यूड उसका डिक्रीजिंग नेचर का होना चाहिए। यहां पर देखो इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है बट मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीजिंग नेचर का नहीं है, तो ये एनर्जी सिग्नल नहीं होगा, ये हो जाएगा पावर सिग्नल, ओके, दिस इज पावर सिग्नल। लेकिन जैसे ही हमने यूटी को मल्टीप्लाई कर दिया है ई रे टू द पावर माइनस एटी में, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये सिग्नल होगा ई रे टू द पावर माइनस एटी यूटी, ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल और प्लस डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये सिग्नल कैसा होता है, एनर्जी सिग्नल, इसको हमने देखा था ये पावर सिग्नल है और ये हो जाएगा एनर्जी सिग्नल। सो ऑप्शंस देख लीजिए, सिग्नल ए इज एनर्जी सिग्नल, बी इज पावर सिग्नल, इट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, the maximum flux density in the core of a 250 by 3000 volt 50 hertz single phase transformer is 1.2 weber per meter square. Determine the LV and HV turns of the transformer if the EMF per turn is 8 volt. EMF per turn. EMF per turn is equal to what? 8 volt. Right? ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड या फिर लो वोल्टेज साइड आप बोल लो, क्योंकि इसका जो वोल्टेज रेशियो है वो कितना है, 250 अपॉन 3000, 10 वोल्ट, ये है ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेटिंग, राइट। ये हो जाएगा एलवी साइड, एलवी साइड का वोल्टेज है, और ये है हाई वोल्टेज साइड, एचवी साइड। तो यहां पर टर्न 8 वोल्ट इंड्यूस होता है ना, प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा 8 वोल्ट पर टर्न, सेकेंडरी साइड में यानी कि एचवी साइड में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा 8 वोल्ट पर टर्न। तो आप देखो एलवी साइड का वोल्टेज है 250, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स n इन एलवी साइड, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 250 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन एचवी साइड के जो वाइंडिंग होगी ट्रांसफॉर्मर की, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने यूज होंगे, सो दैट
एचवी सेट का जो वोल्टेज है वो इंड्यूस होगा 3000 वोल्ट। एचवी सेट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर विल इंड्यूस 3000 वोल्ट, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, 3000 डिवाइडेड बाय 8, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, 250 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 31.25। देखो यहां पर 31.25 आया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे इंटीजर के फॉर्म में होते हैं ना, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। इसको आप नियर अबाउट लिख सकते हो 32 टर्न्स, राइट। और एच वी साइड में कितने हैं, 3000 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 375। तो आप इसको 375 लिख लो, 375 टर्न्स, राइट। सो 32 एंड 375 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एल वी साइड में 32, एच वी साइड में 375 टर्न्स, ओके। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 4-pole 3-phase इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम अ सप्लाई हूज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। वेट अ सेकंड, हाँ, 4-pole 3-phase इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम अ सप्लाई हूज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ओके। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रोटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट व्हेन द स्लिप इज 0.04। मोटर कौन सा है, 3-phase इंडक्शन मोटर, इसमें नंबर ऑफ पोल्स गिवन है 4, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सप्लाई दिया जा रहा है इसमें वो है 50 हर्ट्ज का। तो इसमें जो आरएमएफ इंड्यूस होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें इंड्यूस होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड हो जाएगी ns, सिंक्रोनस स्पीड, वो कितना होगा, 120 f/p। इट मीन्स ये हो जाएगा 120 × 50 / 4, ये कितना हो जाएगा, 4 कैंसिल हो, ये कैंसिल आउट होगा, 30 × 50 यानी कि 1500। सिंक्रोनस स्पीड यहां पर है 1500 rpm, सिंक्रोनस स्पीड इसकी है 1500 rpm। स्लिप की वैल्यू कितनी गिवन है, स्लिप s इज इक्वल टू 0.04। अब रोटर की स्पीड आपसे पूछा है कि रोटर की स्पीड फाइंड आउट करिए, सो रोटर की स्पीड एन आर दिस इज इक्वल टू होता है 1 - slip × ns, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 - 0.04 × ns, ns कितना है 1500, सो व्हाट इज दिस, दिस इज 0.96 × 1500। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 0.96 × 1500, 1440, 1440 rpm, ये स्पीड हो जाएगी उसके रोटर की, राइट। अब दूसरा पार्ट भी इसमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, तो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी F2 हमने इसलिए लिखा है, 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये रोटर का है, राइट। तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा s × F1, F1 हमारा है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, इट मींस स्टेटर में जो हम सप्लाई दे रहे हैं 50 हर्ट्ज वो है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, s की वैल्यू है 0.04, F1 हमारा है 50, सो ये कितना हो जाएगा, 4/100, ये हो जाएगा 2 यानी कि 2 हर्ट्ज, राइट, 2 हर्ट्ज। देखिए 2 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज और स्पीड कितनी है, 1440 rpm। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अब दिखाई दे रहा होगा, ओके। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन CS/RS ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, ये एक सिस्टम दिया गया है, इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है CS/RS। ब्लॉक डायग्राम है ना, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला होता है वैसे तो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। देखिए यहां पर क्या करते हैं ना, कि ये तो इनपुट है RS,
राइट, और दिस इज आउटपुट सी एस। यहां का जो सिग्नल है ये, इस सिग्नल को मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, इस सिग्नल को मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं एक्स। तो इस पॉइंट पर मतलब ये पूरा का पूरा जो सिग्नल है ये सिग्नल हमारा है एक्स। तो जब ये सिग्नल एक्स है तो इधर कितना जाएगा, इधर भी जाएगा एक्स, राइट। एक्स सिग्नल यहां से जा रहा है और एक ब्लॉक से पास हो रहा है जिसका गेन है एच वन। तो आउटपुट क्या आएगा, इस ब्लॉक का जो आउटपुट होगा यहां पर सिग्नल आएगा एक्स इंटू एच वन, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद यही एक्स सिग्नल इस ब्लॉक से पास किया है जिसका गेन है जी। तो यहां पर ये जो सिग्नल होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा एक्स इंटू जी, राइट। अब देखो एक्स इंटू जी इस पॉइंट पर आया, जो इस पॉइंट पर जो सिग्नल मौजूद है वो है एक्स इंटू जी। अब यही सिग्नल हमारा फीडबैक के रूप में इधर आया है, राइट। ये सिग्नल हमारा फीडबैक है एक्स इंटू जी। अब ये सिग्नल जो हमारा एक्स इंटू जी है एज अ फीडबैक, ये सिग्नल एक ब्लॉक से पास हो रहा है जिस ब्लॉक का गेन है एच टू। तो इसका आउटपुट कितना होगा, यहां पर आ जाएगा एक्स जी इंटू एच टू, राइट, एक्स जी इंटू एच टू। अब ये जो हमारा एक्स जी इंटू एच टू है वो नेगेटिव फीडबैक है। यहां पर देखो दिस इज माइनस साइन, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। इट मीन्स यहां पर ये जो हमारा समिंग एलिमेंट है यहां पर दो सिग्नल ऐड हो रहे हैं, राइट। ये समिंग एलिमेंट है, दो सिग्नल को ये ऐड करता है, लेकिन इन दोनों सिग्नल में से एक सिग्नल तो पॉजिटिव है, आर एस जो इनपुट है ना। यहां पर देखो आर एस के लिए कौन सा साइन है, यहां पर ये साइन हमारा है पॉजिटिव। तो आर एस सिग्नल तो पॉजिटिव है, दूसरा सिग्नल जिसको ये समिंग एलिमेंट सम करेगा, ऐड करेगा उस सिग्नल को, वो है नेगेटिव साइन के साथ। तो ओवरऑल आफ्टर एडिशन जो सिग्नल यहां से पास होगा वो कितना होगा, आर एस माइनस दिस सिग्नल, एंड दिस सिग्नल इज वॉट, एक्स जी एच टू, राइट। तो ओवरऑल आफ्टर समिंग एलिमेंट जो हमें आउटपुट मिलने वाला है, समिंग एलिमेंट के बाद जो हमें सिग्नल मिलने वाला है वो क्या होगा, वो होगा आर एस माइनस एक्स जी एच टू, ये सिग्नल होगा, राइट। और इसी सिग्नल को तो मैंने एज्यूम किया था एक्स, राइट, यही सिग्नल है ना। आफ्टर समिंग एलिमेंट जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों सिग्नल का जो समेशन आ रहा है वही सिग्नल तो है एक्स। तो मैं इसको लिखूंगा इज इक्वल टू एक्स, राइट। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, इनपुट जो आर एस है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एक्स जी एच टू, राइट। इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स को कॉमन कर लो, वन प्लस जी एच टू हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया इनपुट आर एस। अब हम आउटपुट की बात करते हैं, यहां देखो सी एस जो आउटपुट है उसकी बात करते हैं। आउटपुट को देखो सी एस, सी एस के लिए क्या क्या है, यहां पर ये एक समिंग एलिमेंट है जो कि दो सिग्नल को ऐड करेगा, सम करेगा, राइट। एक सिग्नल कौन सा है, एक सिग्नल इधर से आ रहा है, ये सिग्नल है एक्स एच वन, और दूसरा सिग्नल क्या है, यहां से एक सिग्नल आ रहा है, यह है एक्स जी। तो इन दोनों को ये सम कर देगा, यानी कि जो आउटपुट हमारा सी एस होगा ये क्या होगा, एक्स एच वन और प्लस हो जाएगा एक्स जी, राइट। यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जी प्लस एच वन, राइट, ऐसा ले सकते हैं, सिंपल है। अब आर एस आपको आपको पता है, सी एस आपको पता है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर फंक्शन ना, सी एस अपॉन आर एस। What about the CS upon RS? Divide कर लो दोनों को, X G plus H1 divided by X 1 plus G H2. X और X यहां से cancel out हो गया, What is the transfer function? G plus H1 divided by 1 plus G H2. ये हो गया transfer function. या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा मेथड आपको ये करना है कि आप इसको एसएफजी से सॉल्व करो, सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप इसको सॉल्व कर लो, वो इजी हो जाएगा, है ना। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड आप यहां पर अप्लाई नहीं करना, राइट, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर आप सिंपली क्या करो, एसएफजी में इसको कन्वर्ट करके वैसे सॉल्व कर लो। ऑप्शन देख लेते हैं,
जी प्लस एच वन वन प्लस जी एच टू ऑप्शन ए। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, अ डीसी शंट मोटर रन्स एट 1000 आरपीएम एट नो लोड फ्रॉम 250 वोल्ट डीसी सप्लाई एंड टेक्स 9 आरपीएम। मोटर रेसिस्टेंसेस आर शंट फील्ड रेसिस्टेंस एट 250 ओम और आर्मेचर रेसिस्टेंस आर ए गिवन एट 0.5 ओम। कैलकुलेट द स्पीड व्हेन लोडेड एंड टेकिंग 41 आरपीएम करंट। ठीक है, मोटर कौन सा है? डीसी शंट मोटर है, शंट मोटर। इसका सर्किट कैसा होता है? शंट मोटर है तो इसका जो फील्ड वाइंडिंग होगा आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, दिस इज आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, दिस इज टर्मिनल, राइट। आप इसको सप्लाई दे रहे हो, कितने वोल्ट से सप्लाई दे रहे हो? 1000 आरपीएम एट नो लोड फ्रॉम 250 वोल्ट, यहां का वोल्टेज है 250 वोल्ट, राइट। शंट रेसिस्टेंस है 250 ओम, देखो 250 ओम इसका शंट रेसिस्टेंस है, 250 वोल्ट आप इसको सप्लाई दे रहे हो, तो ये जो 250 वोल्ट है ये आर्मेचर के क्रॉस भी है, यहां इसके क्रॉस भी है और फील्ड के क्रॉस भी है। इट मींस जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है इसमें करंट फ्लो करेगा कितना? 250/250, इट मींस 1 एम्पीयर। फील्ड वाइंडिंग का करंट आ गया 1 एम्पीयर। अब इसने कहा है कि नो लोड पर 1000 आरपीएम इसकी स्पीड है और ये करंट कितना ले रहा है? 9 एम्पीयर। इट मींस यहां से जो आपने सप्लाई दिया है, सप्लाई टर्मिनल से ये ड्रॉ कर रहा है करंट 9 एम्पीयर, दिस करंट इज 9 एम्पीयर। सो 9 एम्पीयर इधर आया, 1 एम्पीयर चला गया फील्ड में, सो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? यहां आर्मेचर करंट विल बी इक्वल टू 8 एम्पीयर, राइट। आर्मेचर का रेसिस्टेंस आपको दिया गया है आर ए इज इक्वल टू 0.5 ओम, ओके। तो यहां से आप इसमें जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा मोटर में, है ना, मोटर में बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। बैक ईएमएफ को चाहे आप ई बी लिखो बैक ईएमएफ, या फिर जनरेटेड ईएमएफ लिख दो इजी, दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वी जो अप्लाइड वोल्टेज है माइनस जो आर्मेचर रेसिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा, है ना, आई ए इंटू आर ए। सो 250 माइनस आई ए है 8 एम्पीयर, आर ए है 0.5, ये हो जाएगा 250 माइनस 4 यानी कि 246 वोल्ट। 246 वोल्ट इसका बैक ईएमएफ होगा, इस मोटर में इंड्यूस होगा इतना वोल्टेज, राइट। अब ये जो हमारा वोल्टेज होता है ये इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स इनटू स्पीड के, यानी कि इजी को हम लिखेंगे के एन फाइ एन। के एन हमारा एक कांस्टेंट है, फाइ हो जाएगा फ्लक्स और एन हो जाएगा स्पीड। यहां पर जो फ्लक्स है फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि ये शंट मोटर है, शंट मोटर में जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कांस्टेंट होगा, 1 एम्पीयर, है ना। आप चाहे इसको इस मोटर को 1000 पे रन कराओ, 1200 पे रन कराओ या 800 पे रन कराओ, जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें करंट 1 एम्पीयर ही फ्लो करेगा, राइट, 1 एम्पीयर फ्लो करेगा। तो जब उसमें करंट हमारा कांस्टेंट है तो फ्लक्स वो कांस्टेंट प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो यहां पर फ्लक्स कांस्टेंट होगा, के एन कांस्टेंट है तो के एन फाइ हमारा कांस्टेंट हो गया, राइट। तो यहां से हम क्या करेंगे ना, के एन फाइ को यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे कि के एन फाइ होगा कितना, ये हो जाएगा ई अपॉन एन। ई हमने कितना फाइंड आउट किया था? 246 वोल्ट। स्पीड कितनी है? 1000, राइट। तो ये हो गया एक कांस्टेंट, के एन फाइ इज इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। ये एक कांस्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे, राइट, इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इसने क्या कहा है ना कि कैलकुलेट द स्पीड व्हेन लोडेड, जब जब इस मोटर पे हमने लोड लगाया है और ये मोटर 41 एम्पीयर को ड्रॉ कर रहा है। देखिए, जब इस मोटर पर हम लोड, इस पे जब हम लोड डालेंगे, लोड डालने के बाद
जो ये करंट ड्रॉ करेगा ना वो है 41 एम्पियर, लेकिन वोल्टेज आप कितना इसमें अप्लाई कर रहे हो, 250 वोल्ट, 41 एम्पियर ये ड्रॉ कर रहा है। तो जो मर्जी करंट ये ड्रॉ करे, फील्ड वाइंडिंग में 1 एम्पियर करंट ही जाएगा, है ना। जब फील्ड वाइंडिंग करंट में 1 एम्पियर करंट जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में जब 1 एम्पियर का जब करंट ये जाएगा, तो आर्मेचर करंट कितना हो गया, यहां से जो आर्मेचर करंट आईए होगा 41 - 1 यानी कि 40 एम्पियर। सो आर्मेचर करंट इज इक्वल टू 40 एम्पियर, 40 एम्पियर का आर्मेचर करंट हो जाएगा, राइट। अब यहां पर इजी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी कितना हो जाएगा, इजी हो जाएगा V - IA × RA, इट मींस ये हो जाएगा 250 - IA है 40, RA हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 250 - 20, इट मींस 230 वोल्ट। देखो इजी अब है 230 वोल्ट। सो इजी होता क्या है, इजी को हम लिखेंगे Easy is equal to KN phi N। यहां पर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, N N जो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होगी उसको आप क्या लिखोगे, Easy divided by KN phi, राइट। Easy की वैल्यू है कितनी, 230 डिवाइडेड बाय KN phi। KN phi आपने कितना फाइंड आउट किया था, 246/1000। तो इसको आप लिख लो 246/1000, ये हो जाएगा। इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, जो यहाँ पर स्पीड गिवन है वो है डिवाइडेड बाय 123 या फिर 115 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसको 2 टाइम्स कैंसल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 123 और ये 2 टाइम्स जाएगा तो 115 हो जाएगा, राइट। यानी कि जो स्पीड आ गई 115000 डिवाइडेड बाय 123 RPM, ये होगा। ओके ऑप्शन देख लीजिए, 115000 होगा ना, अच्छा हाँ ऑप्शन सी। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में गिवन है कि 115000, सो 115000 डिवाइडेड बाय 123, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101। इफ एक्स वन प्लस जे वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस जे वाई टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। यह जे इज इक्वल टू √(-1), ठीक है ये तो होता ही है, एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स। वेट इसको ट्राई करिए, 101, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक्स वन प्लस जे वाई वन और एक्स टू प्लस जे वाई टू बोथ आर इक्वल, राइट। तो जब ये दोनों इक्वल हैं, इट मींस व्हाट, ये दोनों इक्वल हैं, एक्स वन इज ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू, एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। अगर हम ऐसा लिखें कि एक्स वन प्लस जे वाई वन इज इक्वल टू 3 + j3 और एक्स टू प्लस जे वाई टू, ये भी हो जाएगा 3 + j3, तो वैसे केस हम कह सकते हैं कि एक्स वन और वाई टू ये दोनों सेम है, बट ऑलवेज सेम तो नहीं होगा, है ना। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट, एक्स टू और वाई टू नॉट इक्वल। सी ऑप्शन को देखते हैं, X1 - jy1, X1 - jy1 इट मींस व्हाट, आपने इसका कर दिया है कॉन्जुगेट, राइट। X1 + jy1 का जो कॉन्जुगेट होगा X1 - jy1 हो जाएगा, ठीक है इसका जो कॉन्जुगेट है। उसके बाद इज इक्वल टू X2 - jy2, इट मींस इसका कॉन्जुगेट, इसका जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा, X2 - jy2, राइट। तो हाँ ये दोनों इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि यहां से X1 और X2 इक्वल हो जाएगा, Y1 और Y2 इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, X1 और X2 बोथ आर इक्वल, Y1 एंड Y2 बोथ आर इक्वल, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए, थ्री फेज फोर वायर एसी इज अप्लाइड टू द फॉलोइंग रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर है, जो सर्किट दिया गया है, ये कौन सा रेक्टिफायर है? थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, राइट? दिस इज थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू वी नॉट, और वी नॉट को हम लिखते हैं 3VML अपॉन 2π cos अल्फा, राइट? यहां पर अल्फा हो जाएगा फायरिंग एंगल, और VML है लाइन वोल्टेज का पीक, राइट? यहां पर देखो, इस रेक्टिफायर में डायोड गिवन है ना, देखो ये सारे के सारे डायोड हैं, D1, D2, D3, तो यहां पर डायोड के केस में अल्फा, जो हमारा फायरिंग एंगल होगा, 0, cos 0 इज 1, दिस इज 1, राइट? तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3VML अपॉन 2π। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। थ्री फेज फोर वायर एसी इज अप्लाई टू द फॉलोइंग रेक्टिफायर, डिटरमिन द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। टेक वीपी इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज, राइट? ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको कंसिडर करना है। फेज वोल्टेज का आरएमएस गिवन है, लेकिन इस फॉर्मूला में हमने यूज किया है वीएमएल, लाइन वोल्टेज का पीक, लाइन वोल्टेज का पीक है ये। तो फेज वोल्टेज का पीक कितना होगा, पहले यहां से देख लेते हैं। देखिए, दिस इज लाइन वोल्टेज का पीक। लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में आप कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, राइट? सो √3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा VM फेज, यानी कि फेज का पीक। जो फेज वोल्टेज का पीक होगा उसमें हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइन वोल्टेज का पीक हो जाएगा, राइट? लेकिन हमारे पास फेज वोल्टेज का पीक भी मौजूद नहीं है, हमारे पास फेज वोल्टेज का RMS मौजूद है ना। फेज वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू आपको दिया गया वीपी, और उसके फॉर्म में लिखना है। तो वीएम फेज इसको हम कितना लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस, है ना। पीक वोल्टेज इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस, सो √2 टाइम्स ऑफ वीआरएमएस फेज, फेज वोल्टेज का आरएमएस इनटू √2। अब ये जो वोल्टेज है VRMS फेज, इसी को इसने बोला है कि आप कंसिडर करो इसको एज अ वीपी, राइट? इट मींस VM फेज हो जाएगा √2 इनटू वीपी, इट मींस VML हो जाएगा √3 इनटू √2 इनटू वीपी, राइट? तो VML की जगह पर आप फॉर्मूला में इसको पुट कर लो, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू 3 इनटू VML, VML क्या हो गया, √3 इंटू √2, या तो डायरेक्ट √6 लिख लो इसको, वीपी डिवाइडेड बाय 2π। अब कितना हो जाएगा, ये यहां से दिस इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा √6 वीपी डिवाइडेड बाय 2π। ऑप्शन है कोई 3√6 वीपी अपॉन 2π, लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड इन द पावर सिस्टम इज डिफाइंड एज व्हाट, लोड फैक्टर, है ना, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, व्हाट इज दिस, दिस इज लोड फैक्टर, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following type of measuring instrument is used in the measurement of AC quantity only? AC quantity only, not DC, right? इसके लिए कौन सा instrument हम use करेंगे? Repulsion moving iron type, AC DC दोनों, permanent magnet moving coil, DC ये भी नहीं होगा, split phase induction, स्प्लिट फेज इंडक्शन ओनली एसी,
हॉट वायर एसी प्लस डीसी दोनों को मेजर करते हैं, ये एसी भी मेजर करता है और डीसी भी मेजर करता है, तो ओनली एसी बोला है तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फोर पोल जनरेटर हैज अ वेव वुंड आर्मेचर विद 720 कंडक्टर्स एंड इट डिलीवर्स 100 एम्पीयर ऑन फुल लोड। कैलकुलेट द आर्मेचर डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न पर पोल इफ द ब्रश लीड इज 8 डिग्री। यहां पर पहली बात, इसने 8 डिग्री के बारे में और कुछ नहीं दिया है, कि ये जो 8 डिग्री है मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल है। इसको हम क्या करेंगे, मैकेनिकल कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल होता तो इसमें इलेक्ट्रिकल लिख दिया होता, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट लोगे मैकेनिकल एंगल, राइट। जो ब्रश शिफ्ट एंगल है वो है मैकेनिकल में 8 डिग्री, सो इसको हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, पी बाय 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4, 4 बाय 2 इंटू थीटा मैकेनिकल है 8 डिग्री, इट मींस ये हो जाएगा 16 डिग्री इलेक्ट्रिकल। थीटा की वैल्यू है 16 डिग्री इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज दिस, दिस थीटा, दिस इज ब्रश शिफ्ट एंगल, राइट, 16 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर्मेचर का डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न पर पोल और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न पर पोल, ओके। इसमें देखो जो वाइंडिंग है वो वेव वुंड का है, वेव वुंड है, इट मींस जो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, राइट। यहां पर हम क्या करते हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पोल्स गिवन है 4, नंबर ऑफ पैरेलल पास हो जाएंगे 2 क्योंकि वेव वुंड है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं 720, और कोई इंफॉर्मेशन, हाँ थीटा इलेक्ट्रिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल गिवन है कितना, 16 डिग्री, राइट, ओके। और आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट आई ए, दिस इज व्हाट, दिस इज 100 एम्पीयर, राइट। अब यहां समय क्या करना है, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न पर पोल को फाइंड आउट करना है, सो वेट वेट, दिस इज डी, डी मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न पर पोल, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा अपॉन 180 डिग्री, दिस इज डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर, एम्पीयर मीन्स करंट, करंट पर पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, आई ए बाय ए, राइट, दिस इज आई ए बाय ए इंटू एम्पीयर हो गया, उसके बाद टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स जेड बाय 2, नंबर ऑफ कंडक्टर बाय 2, टर्न हो गया, उसके बाद है पर पोल, इट मींस 1 बाय पी, ऐसे आप इसको पुट कर लोगे, राइट। इसको आप कैसे लिखोगे फिर, इसके बाद 2 थीटा, थीटा है 16, तो ये हो जाएगा 32, 32 बाय 180 इंटू आई ए है 100 डिवाइडेड बाय ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं 2, जेड है 720 डिवाइडेड बाय 2, पोल्स हैं 4, तो 1 बाय 4, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 32 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 720 से दिस, और डिवाइड करेंगे 4 इंटू 4 16 से, 800 आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 800 एम्पीयर टर्न पर पोल, ओके। उसके बाद क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वाला भी एम्पीयर टर्न पर पोल को फाइंड आउट करना है। पहले देखो डीमैग्नेटाइजिंग का जो एम्पीयर टर्न पर पोल है 800 आया है और एक ही ऑप्शन में गिवन है 800, सो डायरेक्ट आप इसको 800 मार्क कर सकते हो, ऑप्शन ए को आप मार्क कर सकते हो। लेकिन जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इंटू एम्पीयर टर्न पर पोल, एम्पीयर आई ए बाय ए, टर्न जेड बाय 2, दिस इज जेड, पर पोल 1 बाय पी, ये हो जाएगा 180 माइनस 32, 180 माइनस 32 कर देंगे 148,
148 अपॉन 180, आई ए बाई ए 100 बाई 2, 720 बाई 2, 1 बाई 4. कैलकुलेट कर लो इसको. दिस डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई विथ 100 मल्टीप्लाई विथ 720, दिस डिवाइडेड बाई 16, ये हो जाएगा 3700. वॉट इज दिस? दिस इज 3700. ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन. ओके, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn इज रिप्रेजेंटेड एज अंडर दिस. ये जो सिग्नल है ये आपको दिया गया है xn. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस रिप्रेजेंट x माइनस n प्लस 2. माइनस n प्लस 2 आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? x माइनस n प्लस 2, यहां से राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन आप अप्लाई करो. राइट टू लेफ्ट जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या नजर आया है? टाइम शिफ्टिंग. और कैसा इसमें जो टाइम शिफ्टिंग है वो क्या है? लेफ्ट है या फिर राइट है? यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. देखो ये है पॉजिटिव, प्लस टू है, इट मींस लेफ्ट शिफ्टिंग. लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट. ओके, तो सबसे पहला काम करना है कि ये जो हमारा सिग्नल है उसको 2 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे. राइट, तो कर दीजिए. x n प्लस 2 यूनिट से लेफ्ट. जो सिग्नल हमारा n इज इक्वल टू 1 पर है वो सिग्नल n इज इक्वल टू माइनस 1 पर मौजूद होगा. दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3. देखो जो सिग्नल n इज इक्वल टू 1 पर है वो सिग्नल n इज इक्वल टू माइनस 1 पर नजर आएगा, है ना, क्योंकि 2 यूनिट से हमने उसको लेफ्ट शिफ्ट किया है. तो माइनस 1 पर ये सिग्नल होगा, माइनस 1 पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. माइनस 1 पर मैग्नीट्यूड इसका है 1. उसके बाद जो सिग्नल n इज इक्वल टू 2 पर है वो आपको ओरिजिन पर नजर आएगा, मैग्नीट्यूड इसका है 2. This is 1, this is 2. उसके बाद जो n is equal to 3 पर है वो आपको n is equal to 1 पर नजर आएगा, मैग्नीट्यूड कितना है? 3. n is equal to 1 पर नजर आया, मैग्नीट्यूड कितना है? 3. जो सिग्नल n is equal to 4 पर है वो आपको नजर आएगा n is equal to 2 पर, मैग्नीट्यूड कितना है? 3. राइट, ये सिग्नल है x n plus 2. अब आपको क्या करना है? यहां पर देखो, यहां पर टाइम शिफ्टिंग तो हो गया, उसके बाद क्या करना है? ये है टाइम रिवर्सल. तो इसके लिए क्या करेंगे? जो हमारा वाई एक्सिस है उसके अराउंड हम इस सिग्नल को फोल्ड कर देंगे. राइट, इसको हम वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे. तो जो हम फोल्ड करेंगे तो जो सिग्नल हमारा पॉजिटिव में है वो सिग्नल हमें नेगेटिव में नजर आएगा, और जो नेगेटिव में है वो सिग्नल हमें पॉजिटिव में नजर आएगा. राइट, ओरिजिन पर जो सिग्नल है वो वैसा ही होगा, है ना, जब आप इसको फोल्ड करोगे y एक्सिस के अराउंड, आप इसको ऐसे करके फोल्ड करोगे. तो जो सिग्नल ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर जो सिग्नल है वो है 2 यूनिट का इंपल्स, वो वैसा ही होगा. ओरिजिन पर 2 यूनिट का इंपल्स कहां पर है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, हो सकता है ये आंसर. ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, एक ही ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन होगा? बी. वैसे भी आप इसको फोल्ड करके देख लो, जो सिग्नल हमारा पॉजिटिव टाइम एक्सिस पर है वो नेगेटिव टाइम एक्सिस में नजर आएगा. पॉजिटिव टाइम एक्सिस पर कौन कौन सा सिग्नल है? n इज इक्वल टू 1 पर, n इज इक्वल टू 2 पर, मैग्नीट्यूड है 3. तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 2, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3. राइट, जो सिग्नल नेगेटिव टाइम एक्सिस पर है वो अब हमें नजर आएगा पॉजिटिव में. तो एक ही सिग्नल है नेगेटिव टाइम एक्सिस पर, माइनस 1 पर है, वो अब नजर आएगा प्लस 1 पर. तो प्लस 1 पर ये रहा सिग्नल, मैग्नीट्यूड है 1, और ओरिजिन पर जो सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड है 2. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 107 इस क्वेश्चन में क्या कहना?
Force on the current carrying conductor in a magnetic field depends upon which of the following? Force on the current carrying conductor in a magnetic field, F, F की वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाएगा BIL sin theta. यहां पर जो थीटा होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल, राइट? ये सपोज एक कंडक्टर है जो कि एल लेंथ का है, ठीक है? ये एल लेंथ का कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करता है, कोई भी करंट हमारा इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये तो बी और लेंथ वेक्टर। यहां पर ध्यान देना, ये जो लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर भी आप इसी डायरेक्शन में कंसिडर करोगे, राइट? और जो करंट का डायरेक्शन है वो भी है इसी डायरेक्शन में, तो आप इसके एंगल को ऐसे भी बोल सकते हो कि करंट का डायरेक्शन और बी के बीच का एंगल, राइट? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बट एक्चुअली क्या होता है, लेंथ वेक्टर होता है, राइट? देख लेते हैं ऑप्शन में, डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द फील्ड बी, हाँ बिल्कुल बी पर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आई पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एल पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड द करंट, फील्ड और करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इट मीन्स एंगल पर डिपेंड करता है, राइट? सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, फोर पोल वेव वाउंड मोटर आर्मेचर हैज 880 कंडक्टर्स एंड डिलीवर्स 120 एम्पीयर। द ब्रशेस हैव बीन डिस्प्लेस्ड थ्रू 3 एंगुलर डिग्रीज। यहां पर देखो 3 एंगुलर डिग्रीज, फिर यहां पर इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा तो हम बाय डिफॉल्ट इसको मैकेनिकल कंसीडर करने वाले हैं। सो थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू व्हाट? 3 डिग्री। यहां से हम थीटा इलेक्ट्रिकल को फाइंड आउट कर लेंगे, P/2 थीटा मैकेनिकल, P नंबर ऑफ पोल है 4/2 थीटा मैकेनिकल है 3 डिग्री, ये हो जाएगा कितना? 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब इसने क्या कहा, कैलकुलेट द एडिशनल फील्ड करंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग द डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग हैज 1100 टर्न्स पर पोल, ठीक है? यहां पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल को, राइट? डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कितना होता है? 2 थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये जो थीटा होगा इलेक्ट्रिकल होगा, एम्पियर मतलब IA/A, टर्न Z/2, पर पोल 1/P, राइट? ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा ये हो जाएगा, ये 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। एम्पियर कितना है? 120 एम्पियर, सो 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, पैरेलल पाथ्स कितने हो जाएंगे? जो इसका आर्मेचर है, वाइंडिंग इसकी कैसी है? वेव वुंड है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पास हो जाएंगे 2। Z/2 नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं? 880। नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 880/2। पर पोल नंबर ऑफ पोल है 4, राइट? यहां से आप डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल को फाइंड आउट कर लीजिए, 12/180 मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे 880 से, और डिवाइड कर देंगे 4 × 4 16 से, ये हो जाएगा 440, 440 एम्पियर टर्न पर पोल। ये इतना हमारा डीमैग्नेटाइजेशन हुआ है। डीमैग्नेटाइजेशन मींस व्हाट? जो हमारा फ्लक्स है वो रिड्यूस हुआ है, राइट? एमएमएफ यहां पर रिड्यूस हुआ है, तो उस एमएमएफ जो रिड्यूस हुआ है उसको फिर से बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एमएमएफ को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एमएमएफ हम कैसे प्रोवाइड करेंगे?
इसमें इसने बोला है कि करंट को इंक्रीज करके, है ना, इसमें करंट को, फील्ड वाइंडिंग को इंक्रीज करके यहां पर जो जो एमएमएफ यहां पर डाउन हुआ है उसको हम बैलेंस करेंगे, राइट। सो एमएमएफ क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फील्ड वाइंडिंग का करंट, ये है एमएमएफ, राइट। एमएमएफ डाउन कितना हुआ है, 440, तो आपको इंक्रीज कितना करना है, 440 तो इंक्रीज करना है, राइट। यहां पर फील्ड करंट कितने कितने एम्पीयर के करंट को आप इंक्रीज करोगे, एडिशनल फील्ड करंट बोला है ना, एडिशनल फील्ड करंट कितने, एडिशनल फील्ड करंट की रिक्वायरमेंट होगी 440 एम्पीयर टर्न पर पोल को बैलेंस करने के लिए। तो ये IF हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन फील्ड वाइंडिंग, ओके। सो ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 11, 440 डिवाइडेड बाय 1100.4, 0.4 एम्पीयर। तो कितने एडिशनल फील्ड करंट के रिक्वायरमेंट होगी, 0.4 एम्पीयर का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर, 0.4 एम्पीयर। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस्ड कंडीशन फॉर द गिवन ब्रिज। ब्रिज हमारा जब बैलेंस होगा तो फर्स्ट आर्म का इंपेडेंस, फोर्थ आर्म का इंपेडेंस, ये इसका इंपेडेंस, ये थर्ड है तो इसको मैं जेड थ्री बोल देता हूँ, ये सेकेंड है तो इसको मैं जेड टू बोल देता हूँ, ये फोर्थ है तो जेड फोर। यानी कि बैलेंस के केस में फोर बैलेंस्ड ब्रिज जेड वन इंटू जेड थ्री दिस इज इक्वल टू जेड टू इंटू जेड फोर हो जाएगा, राइट। यहां पर जेड टू और जेड थ्री की जगह पर सिर्फ एक रेसिस्टर यूज किया गया है, राइट। तो सिर्फ रेसिस्टर यूज किया गया था, वहां पर आर टू और आर थ्री लिख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा जेड वन इंटू जेड थ्री, जेड थ्री यानी कि जो हमारा थर्ड ब्रांच है उसमें सिर्फ एक रेसिस्टेंस है, आर थ्री लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू आर टू इंटू जेड फोर। इक्वेशन देख लीजिए, जेड वन आर थ्री और आर टू जेड फोर, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये हो जाएगा ई और डेंसिटी है डी, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। सो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और जो हमारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, एप्सिलॉन नॉट मत लिखो, एप्सिलॉन लिख दो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं किसके केस में, एयर के केस में, राइट। यहां पर आप यूज करो एप्सिलॉन, फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो डेंसिटी हो जाएगा ये होता है वन अपॉन फोर पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आप रिलेशन लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू ई, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ऑप्शन सी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री 60 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल, तीन रेसिस्टर 60 ओम के हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, 60 60 और 60, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 इट मींस 20 ओम, ऑप्शन देख लीजिए सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट कुड बी द रैंक आर
ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n का है, इफ m इज लेस देन n एंड a इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। ए जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट अ नल मैट्रिक्स, इट मींस इसका जो रैंक r होगा वो जीरो नहीं होगा, है ना, r मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है कि इफ m इज लेस देन n और इसका जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, तो इसका जो ऑर्डर m क्रॉस n है तो यहां से जो रैंक हो जाएगा लेस देन, इसमें m स्मॉल है ना, m स्मॉल है तो लेस देन m हो जाएगा, r इज लेस देन m, r इज लेस देन m एंड r इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से रैंक कौन सा हो जाएगा, देखिए लेस देन m और इक्वल टू m भी होगा, है ना, इसका जो m m इज लेस देन n है, हाँ तो ठीक है, इसका जो रैंक है m भी हो सकता है, m से कम भी हो सकता है, है ना, लेस देन m और इक्वल टू m बट ग्रेटर देन जीरो। देखिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, जो हमारा p पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, p पॉइंट x y z है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट ओरिजिन, जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है, जो पॉइंट p है उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है x y z, वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा k q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का q into यहां से हो जाएगा r वेक्टर, राइट, r वेक्टर क्या है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर यहां पर हो जाएगा x into i कैप y j कैप z k कैप, ये है r वेक्टर। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 1/2, राइट। अब इन सारी चीजों को आप इस फॉर्मूला में पुट कर लो और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर लिखेंगे 1/4πε q अपॉन व्हाट, r, r का मैग्नीट्यूड का क्यूब है, है ना, तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 1/2, अब इसका पावर हम करेंगे 3, इट मींस हम इसको क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा इनटू r वेक्टर, तो यहां पर क्या हो जाएगा इनटू x i कैप y j कैप z k कैप, ये ऑप्शन देख लीजिए आप, यहां पर 3/2 है, ठीक है, यहां भी 3/2 है, ओके, यहां पर q स्क्वायर है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहां देखिए e इज इक्वल टू q अपॉन 4πε x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2, x ax y a y z a z, ओके, सो b ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ बोथ एसी एंड डीसी क्वांटिटी, एसी और डीसी दोनों को मेजर करना है, इसमें स्प्लिट फेज इंडक्शन नो, इलेक्ट्रोलाइटिक नो, शेडेड पोल इंडक्शन नो, ED type instrument, this is dynamometer, electro dynamometer, right? ED type instrument है ये, AC plus DC दोनों को measure करता है, AC के केस में RMS और DC के केस में average, DC के केस में average बोलो या फिर RMS बोलो, दोनों तो same ही होता है ना, so ये होगा, option B will be the correct answer for this question, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट? कौन सा सही नहीं है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के लिए? इट्स डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट कैन बी यूज्ड ऑन डायरेक्ट करंट ऑल्सो. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे हैव अ वेरी लो पावर कंजम्पशन. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दे आर अनअफेक्टेड बाय स्टे फील्ड्स. यस, their readings are independent of waveform and frequency. yes, independent hota hai. tabhi to aap moving iron instrument ki jagah par hot wire instrument use karna prefer karte hain, because hot wire instrument mein frequency change hone ki wajah se error nahi aate, but moving iron mein aate hain, right? ye statement bhi sahi hai. to wrong statement hai b, to isi ko mark kar rahe hain, right? b option will be the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये 116, सिंगल फेज 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द क्वाइल ऑफ द गिवन सर्किट. द क्वाइल हैज 200 टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है? 200. द पैरामीटर्स ऑफ द कोर आर लेंथ ऑफ द कोर 100 सेंटीमीटर, इट मींस 1 मीटर. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. रिलेटिव परमियबिलिटी यानी कि जो म्यू आर है उसकी वैल्यू गिवन है 2500. फाइंड आउट क्या करना है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर. फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर देखो, यहां पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, सबसे पहले इस इंड्यूस वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट? इंड्यूस वोल्टेज जो होगा, आरएमएस वैल्यू सबसे पहले इसका फाइंड आउट करते हैं. ई आरएमएस, ये हो जाएगा कितना? √2πf(φm)(n). ये हो जाएगा आरएमएस इंड्यूस. और इंड्यूस वोल्टेज कितना है? यहां पर गिवन है 120 वोल्ट. सो ई आरएमएस इज इक्वल टू 120. दिस इज इक्वल टू √2π(f). फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 60 हर्ट्ज. So into 60, phi m unknown है, और number of turns है 200. So this is 200. यहाँ से हम flux को find out करेंगे. This is maximum flux, right? Maximum flux कितना हो जाएगा? 120 divided by √2π into 60 into 200. इसको आप 2 times cancel out कर दो, और ये हमारा 100 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि इसको हम ले सकते हैं 1/√2π × 100, राइट? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. √2π × 100 444.288 वेबर. इतना हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स. अब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ये हो जाएगा 5m डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया. 5m है 444.288 वेबर. एरिया कितना है? 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लो. 20 × 10⁻⁴ से वेट नो, ये इनकरेक्ट है यार, यहां पर मिस्टेक हुआ है. देखो, ये 444 नहीं होगा. ये 444 तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था उसका होगा ना, 1/444.288 होगा, राइट? देखिए, ये हो जाएगा 1/444.288. ये 1/444.288 ये हो जाएगा 2.25. जो फ्लक्स है वो हो जाएगा 2.25
वन इंटू 10^-3। तो यहाँ हम पुट करेंगे 2.251 इंटू 10^-3, दिस इज वेबर, और डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय 20, 10^-4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.12539 टेस्ला। ये क्या हो गया, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ना, हाँ ठीक है ये। तो जो इसमें फ्लक्स डेंसिटी की बन है वो साइनसॉइडल के फॉर्म में है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी साइन ओमेगा टी, यानी कि इसको आप लिखोगे 1.12539 साइन ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा 2πf, सो 2π इंटू 60, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज है ना, इंटू टी, ये हो जाएगा। ओके, इसको आपको कन्वर्ट करना है, 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में इसको लिखना है, सो 1.12539 इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1.12539 ये हो जाएगा 0.888, व्हाट इज दिस, दिस इज, ये हो जाएगा 1/0.888, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, साइन 2π 60 इंटू टी, राइट। ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ है 8.88 नहीं होगा, 0.888 बट यहाँ पर साइन टी है नहीं होगा, 0.888 साइन 2π 60 टी, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ES/RS फॉर द सिस्टम, ES/RS को फाइंड आउट करना है। यहां पर देखो ये जो सिग्नल है वो है ES, और ES जो हमारा सिग्नल ES है वो एक ब्लॉक से पास होता है जिस ब्लॉक का गेन है GS, तो यहां का सिग्नल क्या हो जाएगा, ये सिग्नल हो जाएगा ES इंटू GS, राइट, और यही सिग्नल तो है हमारा आउटपुट ये CS, तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो CS है, CS हमारा कितना है, CS है ES इंटू GS, ये हो जाएगा CS, राइट। उसके बाद क्या है, जो हमारा फीडबैक है वो CS से आया है, ये HS, राइट। सो ये जो सिग्नल होगा BS, BS को हम कैसे लिखेंगे, BS जो सिग्नल है वो हमारा हो जाएगा ES इंटू GS, यानी कि जो ये सिग्नल है CS, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, HS से, HS ब्लॉक से पास करता ना ये HS, तो ये हो जाएगा BS। उसके बाद ES को आप क्या लिखोगे, जो हमारा ES है इसको आप लिखोगे RS-BS, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव फीडबैक है, तो ES को आप क्या लिखोगे, ES को आप लिखोगे RS-BS, राइट। सो दिस इज इक्वल टू RS-BS को आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ESGSHS, ये ओके ये हो जाएगा कितना, दिस इज ES, ES वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पर ES है या इस टर्म में ES है, इसको हम इस साइड लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ES इंटू 1+GS इंटू HS, राइट, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू RS, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ES/RS फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम लिखेंगे ES/RS दिस इज इक्वल टू 1/1+GS इंटू HS, राइट, यही हो जाएगा ना, ES/RS 1/1+GS इंटू HS, सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1/1+GSHS, यानी कि ऑप्शन ए, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 118 फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 0.34 meters इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू 0.5 microcoulomb एट द ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q अपॉन
आर वेक्टर का क्यूब मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर वेक्टर, राइट। यहां पर जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस में नो चेंज जीरो है, वाई एक्सिस में थ्री है यानी कि थ्री जे कैप, जेड एक्सिस में फोर है फोर के कैप। या तो आप ऐसे लिख लो जे कैप के कैप लिख लो या फिर ए वाई ए जेड लिख लो, है ना। ये हो गया आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड रूट ओवर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा फाइव, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, यहां पर के की वैल्यू को पुट करनी होगी यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, Q है 0.5 माइक्रो कूलम यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6, डिवाइड करेंगे R क्यूब से, R है 5, 5 का क्यूब इंटू R वेक्टर, R वेक्टर क्या होगा 3 जे कैप 4 के कैप। ये कैलकुलेट कर लीजिए, 9 देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, राइट। दिस इज 9 इंटू 3 जे कैप के कैप, ओके 9 इंटू 0.5 इंटू 1000 4500 डिवाइडेड बाय 125 ये हो जाएगा 36। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा 36 इंटू 3 जे कैप 4 के कैप। ऑप्शन देख लीजिए 18/5 36 नो, 18/5 नो, 180/5 हो सकता है, 180/5 हो सकता है। यहां पर माइनस साइन है इनकरेक्ट, यहां पर पॉजिटिव साइन है दिस इज करेक्ट, राइट। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आइडेंटिफाई द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द सर्किट, एक सर्किट दिया गया इसका आउटपुट वेवफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, ओके। देखिए आउटपुट वेवफॉर्म इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर जो डायोड है डी, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं, राइट। डायोड का ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा इसका एनोड और इधर हो जाएगा कैथोड, ओके। देखो जब एनोड का जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज होगा तो डायोड हो जाएगा ऑन, डायोड होगा ऑन। डायोड ऑन होने का मतलब है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो शॉर्ट सर्किट से, राइट। यानी कि जब आप इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो आपको जो सर्किट है वो कैसा दिखेगा, रेसिस्टर, ये जो हमारा डायोड है ये शॉर्ट हो जाएगा और यहां का वोल्टेज है कितना V, दिस वोल्टेज इज V, ये ऐसा होगा, राइट। अब यहां पर ये जो वोल्टेज है दिस वोल्टेज इज आउटपुट, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा V के इक्वल, है ना। डायोड जब ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू वॉट V, राइट। अब हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या होगा, जब एनोड का वोल्टेज लेस देन कैथोड वोल्टेज हो, डायोड होगा ऑफ, डायोड जब ऑफ होगा इट मींस हम इसको करेंगे ओपन सर्किट, राइट। डायोड हमारा ओपन हो जाएगा तो सर्किट कैसा दिखेगा, दिस इज रेजिस्टेंस, यहां है डायोड जो कि हो चुका है ओपन सर्किट और यहां का वोल्टेज है V, दिस इज V, राइट। आउटपुट आपको यहां पर लेना है, ये हो जाएगा आउटपुट, राइट। तो अब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, यहां पर जो अप्लाई किया गया वोल्टेज है वो है इनपुट वोल्टेज V in, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के, इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि डायोड तो ऑफ है ना, डायोड ऑफ है। देखो डायोड जैसे ही ऑफ हुआ तो ये जो बैटरी है V वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो डायोड वो आउटपुट से डिस्कनेक्ट हो गया, इसका आउटपुट से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज अब V नहीं होगा। अब डायोड ऑफ है तो इस सर्किट में कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, राइट। जब इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा यानी कि जीरो एम्पीयर,
तो ये जो रेसिस्टर आर है इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, नो वोल्टेज ड्रॉप। तो जब वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा तो जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा वही तो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, राइट। यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, इनपुट। तो जब डायोड ऑफ होगा तो वी नॉट विल बी इक्वल टू वी इनपुट। अब इन दोनों केस को हम मर्ज कर देंगे, देखिए मर्ज करके देखिए, दिस इज इनपुट वोल्टेज, दिस इज इनपुट वोल्टेज, और जो V वोल्टेज है वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है ना। V वोल्टेज इज पॉजिटिव, तो मैं यहां पर क्या करता हूं ना, मैं यहां पर डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं V को। V हमने लिया है पॉजिटिव में, राइट। तो V को हम यहां पर दिखाएंगे पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज यहां पर कनेक्टेड है वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है ना। इसको आप ग्राउंड कर लो, इसको आप रेफरेंस ले लो, रेफरेंस नोड यानी कि जीरो वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया ना, V वोल्टेज को हमने पॉजिटिव दिखा दिया। अब आउटपुट देखो कितना होगा, आउटपुट, आउटपुट वेवफॉर्म यहां पर, एक तो इस पॉइंट पर, उसके बाद इस पॉइंट पर देखो, देखो यहां पर जब इनपुट वोल्टेज V से कम होगा, इनपुट वोल्टेज, अच्छा इस पॉइंट को हमने लिखा नहीं ना, देखो एनोड वोल्टेज इज मोर देन वी के, एनोड वोल्टेज इज यहां का वोल्टेज यहां के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, राइट। यहां के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, और यहां का जो वोल्टेज है जो हमारा कैथोड वोल्टेज है वो है V, तो एनोड वोल्टेज को वी से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जब वी से ज्यादा होगा, जब इनपुट वोल्टेज वी से ज्यादा होगा तो एनोड वोल्टेज वो कैथोड वोल्टेज से ज्यादा होगा और डायोड हमारा ऑन होगा, आउटपुट वोल्टेज वी हो जाएगा, राइट। और जब इनपुट वोल्टेज लेस देन वी होगा, वैसे केस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा। अब देख लो, इनपुट वोल्टेज जब लेस देन वी है, इनपुट वोल्टेज लेस देन वी, यहां पर ये स्टार्ट हुआ जीरो से, इनपुट वोल्टेज लेस देन वी, तब आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तब आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज इज लेस देन वी ना, वेट अ सेकेंड, एक बार देख लेता हूं मैं, यहां का वोल्टेज है वी, जब वी से ज्यादा होगा तो डायोड हमारा ऑन होगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, देखो जीरो से पॉइंट ए तक हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज पॉइंट ए। तो जीरो से पॉइंट ए तक जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो वी से कम है, तो जब वी से हमारा कम होगा, इनपुट वोल्टेज इज लेस देन वी, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज से इक्वल होगा। तो इनपुट वोल्टेज हमारा कैसा है, इनपुट वोल्टेज ऐसा है, तो हमने आउटपुट वोल्टेज को लिख दिया इनपुट वोल्टेज के इक्वल। उसके बाद ए और बी पॉइंट के बीच में, इसको बोल देता हूं मैं बी पॉइंट, तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो हमारा इनपुट वोल्टेज है ये रेड इंक वाला इनपुट वोल्टेज है, और ब्लैक से जो हमने दिखाया है वो है, वो क्या है, वी है। तो इनपुट वोल्टेज इज मोर देन वी, इनपुट वोल्टेज जब मोर देन वी होगा तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वी के इक्वल, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा वी वोल्ट, ये हमारा क्या है, दिस इज वी वोल्ट, राइट। उसके बाद बी पॉइंट के बाद देखो, आफ्टर आफ्टर पॉइंट बी जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस देन वी है ना। इनपुट वोल्टेज जब लेस देन वी होगा तो आउटपुट, इनपुट वोल्टेज जब लेस देन वी होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा। यानी कि अब इसके बाद जो वेवफॉर्म होगा वो इनपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म के इक्वल होगा, ऐसा ये हो जाएगा आउटपुट, राइट। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए ऑप्शन में गिवन है ऐसा वेवफॉर्म, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये होगा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द सिग्नल, एक सिग्नल दिया गया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, xt सिग्नल दिया गया। xt क्या है, t ut, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, तो t ut माइनस हो जाएगा t u t माइनस a, ये है, ये सिग्नल है। पहली बात आप देखो कि t ut क्या हो जाएगा, t
टी यू टी हो जाएगा रैंप सिग्नल आर टी, ठीक है। लेकिन टी यू टी माइनस ए ये तो कोई सिग्नल नहीं है। अगर आप इसको रैंप में लिखना चाहते हो तो रैंप क्या होगा, आर टी माइनस ए, इसको आप लिखोगे ये हो जाएगा टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, ऐसा होता है रैंप सिग्नल, राइट। लेकिन यहां पर सिर्फ है टी यू टी माइनस ए, इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दिस इज माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा टी, यहां पर टी है तो इसमें हम क्या करते हैं ना माइनस ए कर देते हैं, माइनस ए कर देंगे और फिर प्लस ए कर देंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा टी माइनस ए यू टी माइनस ए, और फिर एक बार हम कर देंगे प्लस ए यू टी माइनस ए, राइट। एक बार हमने माइनस ए कर दिया, एक बार हमने प्लस ए कर दिया, ओके। सो देखिए, अब ये हो जाएगा आर टी माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी माइनस ए, दिस इज आर टी माइनस ए, रैंप सिग्नल है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस ए यू टी माइनस ए, ओके। जो हमारा एक्स टी सिग्नल है वो ये सिग्नल है, राइट। इसका हमें करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो सिग्नल है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है इस सिग्नल का। सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आर टी रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा यू टी, ओके। उसके बाद माइनस रैंप सिग्नल आर टी माइनस ए, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा यू टी माइनस ए हो जाएगा, है ना, रैंप का डेरिवेटिव स्टेप। उसके बाद माइनस ए, उसके बाद यू टी माइनस ए, ये क्या है, दिस इज स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या होगा, इंपल्स सिग्नल, यानी कि डेल टी माइनस ए, ओके। देख लीजिए ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में गिवन है यू टी माइनस यू टी माइनस ए डेल टी माइनस ए, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।